आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का प्रश्न नंबर 7। ए बी रेखा पर सम अष्टभुज बनाओ, प्रकार दो। ये आपका प्रश्न है। और यदि आपके लिए प्रश्न आता है कि ए बी रेखा पर सम अष्टभुज बनाओ विशेष रीति से या विशेष विधि से, तो भी आपका यही प्रश्न बनना है। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा बनना है, लंबा बनना है, इसलिए मैंने वीडियो को छोटा करने के लिए 90 डिग्री कोण एडवांस में ही बना दिए है। और 90 डिग्री कोण आपको आते ही होगी क्योंकि 8th क्लास का सिलेबस है, अब तक भी आपने ड्राइंग पढ़ी है। तो आगे हम इसको कैसे करेंगे, तो 90 डिग्री के एंगल के बाद आपका जो कार्य होगा वो क्या है, आपने इस रेखा को दोनों साइड, बी के साइड भी और ए के साइड भी, बाहर को बढ़ा देना है ऐसे। अब इसको बढ़ा देंगे और क्या करेंगे, जो आपका ये अर्धवृत्त है इसमें आपने 90 डिग्री पे प्रकार रखनी है यहाँ पे, और आगे को ऐसे चाप लगा देनी है। और जहाँ पे ये वृत्त की रेखा नीचे कट रही है यहाँ पे इसको आप काट देंगे, ऐसे ऐसे काट देंगे, तो ये जो आपका एंगल होगा वो बनेगा 135 डिग्री का। देखिए इसको हम आगे बढ़ा देंगे और अभी हम इसको डार्क नहीं करेंगे, डॉटेड ही लगा देंगे ऐसे। इधर से भी हम इसी तरह से इतनी प्रकार खोलेंगे और जितनी पहले है, और हम चाप को आगे बढ़ा देंगे, फिर इस रेखा से हम जो है वो इतनी प्रकार खोल के चाप लगाएंगे और 90 डिग्री वाला जो एंगल है यहाँ हम प्रकार रखेंगे और इस चाप को हम ऐसे काट देंगे। और हम क्या करेंगे, इसको भी बी के साथ मिला देंगे, अभी हम इसको डॉटेड ही मिला रहे हैं ऐसे। अब हम क्या करेंगे, जितना हमारा ए से बी है, ये देखिए जितना हमारा ए से बी है इतनी प्रकार खोल के हम इस रेखा को भी काट देंगे और इस रेखा को भी काट देंगे। ये हमारा वहाँ तक नहीं गया है, तो हम इस लाइन को लंबा कर देंगे आगे। ये देखिए और इधर को तो ये चलो आ ही रहा है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ लाइन को। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं को आपस में मिला देंगे। ये जो आपके बिंदु है यहाँ हम इस बिंदु का नाम दे देते हैं सी, यहाँ हम नाम दे देंगे एच। हम सी और एच को आपस में मिला देंगे, डॉटेड लाइन से मिला देंगे। ऐसे हमने इनको मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, एच और सी पर 90 डिग्री के कोण बना देंगे। देखिए सी पॉइंट पर हमने प्रकार रखा है और हम यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। यहाँ से इस कोण पे भी हम एच जो बिंदु है, एच बिंदु पर भी हम 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये हमारा एंगल 90 डिग्री का बन गया है। अब हम इसको मिला देंगे और जितना हमारा ए बी है कैसे मिलाएंगे इसको, यहाँ हमने काट ही रखा है, अब हम क्या करेंगे, जितना हमारा ए बी है ये या सी है इतना हम यहाँ पे निशान लगा देंगे ऊपर, यहाँ पे भी हम ये निशान लगा देंगे और जब ये हम लाइन लगाएंगे तो इतनी हम इसको डार्क लगा देंगे। ये देखिए
ये हमने डार्क लाइन लगा दी है और इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे डी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी डार्क लाइन लगा दी, ये देखिए, और इसका नाम भी हम दे देंगे यहाँ पे जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, डी और जी, ये जी है ये डी है, इसको हम जो है वो आपस में मिला देंगे, ऐसे हम उसको मिला देंगे। इन कोणों को हम जो है वो आगे बढ़ा देंगे, इन कोणों की रेखाएं जो 90 डिग्री की रेखाएं हैं इनको हम आगे ऐसे इनको हम आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे भी हम इसको आगे बढ़ा देंगे इस तरह से, हमने इनको आगे बढ़ा दिया है। अब हम क्या करेंगे, जितना हमारा बी से डी है इतनी प्रकार खोल के हम जो है यहाँ पे चाप लगा देंगे इसको, और इसको यहाँ पे काट देंगे, ये देखिए यहाँ पे चाप के साथ बिल्कुल बराबर कट रहा है। और हम क्या करेंगे, इस रेखा को भी थोड़ा आगे बढ़ा देंगे और यहाँ से जी से भी हम जो है वो इस रेखा को काट देंगे ऐसे, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल चाप के साथ बराबर कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको भी हम मिला देंगे और यहाँ पे भी हम इनको आपस में मिला देंगे, इसका नाम हम दे देंगे ऊपर F, यहाँ हम नाम ने दे हमने दे दिया F, और यहाँ हम नाम दे देंगे E। ये जो हमारा एंगल है अष्टभुज जो है वही बन के हमारा। सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।